तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? तो कभी भी आप पॉज करके आंसर आप देख सकते हैं खुद से और उसके बाद चेक कर सकते हैं। तो अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है तो क्या है? कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। द फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ एटमोस्ट स्टेबिलिटी, है ना? यहां पर 11 नंबर क्या क्या ए नंबर आंसर हो, याद रखिए, तो इसको रट जाइए, याद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दोगे, ठीक है पुरुषोत्तम, बड़ा लेट से आए, ठीक है, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा 5 मिनट लेट से क्लास स्टार्ट कर, ठीक है, इस पर फोकस करें, इसको एक बार रिवीजन भी करेंगे जरूर से। क्या जी चंदन जी ग्रेडिस है ना, रिजवान, सूर्या, नीरज, तो ध्यान दीजिए। तो आप देखोगे कार्यपाल की नियत कार्य अवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। तो ये अध्यक्षात्मक सरकार बोले तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का एक फीचर है, क्या है? कि कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। द फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड ऑफ फीलिंग ऑफ एटमोस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये सही होगा गुण में, लेकिन यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करता है, ये सही नहीं है। यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, इट सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ द पीपल, ये भी सही नहीं है, ठीक है, है ना जी, कैसा है क्वेश्चन जी, ठीक है ना। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? वाट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या वो समाजवादी राज्य सोशलिस्ट स्टेट होंगे, साम्यवादी राज्य कम्युनिस्ट स्टेट होंगे, लोकतांत्रिक राज्य डेमोक्रेटिक स्टेट होंगे, सर्वसत्तात्मक राज्य ऑथोराइजेशन स्टेट होंगे? जी आंसर दीजिए जरूर, ठीक है, आंसर जरूर से जरूर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर चेक करते हैं क्या होगा आंसर, तो 12 का बी नंबर आंसर, साम्यवादी राज, याद रखने का काम करोगे, साम्यवादी राज। तो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो साम्यवादी की, है ना। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब, केंद्रीकरण अपने को लेकर चलना, विकेंद्रीकरण जनता के आधार पर लेकर चलना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि आपने कहा गलती किया, आंसर होगा साम्यवादी, बोले तो कम्युनिस्ट स्टेट। निम्न में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन फीचर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल? तो कौन नहीं है भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता, कौन नहीं है? इसका मतलब तीन कोई है, एक नहीं है लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता। पहला, ध्यान दीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों में विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अक्रॉस सोशल कल्चरल काउंटर फॉर्म्स, धारित आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात, सस्टेन्स इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली आफ्टर द 1990s, केंद्र तथा राज्यों में 1950 के दशक से निरंतर चुनाव, कंटिन्यूस इलेक्शंस एट द सेंटर एंड इन द स्टेट सिंस द 1950s, एक जीवन संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार, पावरफुल इंडस्ट्रियल बेस विथ अ वाइब्रेंट फेडरल स्ट्रक्चर। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए,
चलिए चेक करते हैं, तो 13 का डी तो ये विशेषता नहीं है। अधिक अब और मजा आएगा पढ़ने में, भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणेता कौन है, तो सामाजिक देखिए नहीं लिखा हुआ लेकिन हम है पे फोकस कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूपम विविधता में एकता। जी आप देखो समाज हमारा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है लेकिन सब में एकता है, सही है। धारित आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात, तो आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात पर फोकस किया गया, आप देख सकते हो, नहीं आप लोगों के इकोनॉमिक्स में भी बताया गया है। केंद्र तथा राज्यों में 1950 के दशक से निरंतर चुनाव, जी 1950 के दशक से ही तो चुनाव पर फोकस करते हैं के लिए आ रहे, लेकिन एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी प्रणाली है, विच सिस्टम इज देयर इन इंडिया, संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट सिस्टम, राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्धराष्ट्रपति शासन प्रणाली सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली, ठीक है, मल्टी पर्सन एग्जीक्यूटिव सिस्टम, आंसर फास्ट। तो आइए 14 नंबर क्या होगा आपका, ए नंबर तो संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि आप देखो डेली अभी यही पर यही चल रहा है, संसद, संसद के दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो क्या हो गया संसदीय प्रणाली, तो यहाँ पर देखकर तो आंसर मिला संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या जी याद आया होगा पुरुषोत्तम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, फीचर पार्लियामेंट इज अ मेजर फीचर ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार की क्या विशेषता है भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल फिक्स टर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन एक प्रमुख विशेषता है, चार में कौन एक प्रमुख विशेषता, उस पर फोकस करना, ठीक है। विधानमंडल, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, द एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट, तो आंसर क्या होगा डी नंबर। क्या जी संसद के प्रति कैबिनेट जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जी क्लियर। नेक्स्ट,